मध्य प्रदेश के कटनी जिले के औद्योगिक नगरी कैमूर का दशहरा पर्व पिछले 86 वर्षों से सुर्खियों पर बना हुआ है। बहुचर्चित दशहरा पर्व औद्योगिक नगरी कैमूर में रावण की ऊंचाई लगभग 85 फुट होना एवं बिजली के तीर के द्वारा 85 फुट बने रावण का दहन होना संपूर्ण मध्य प्रदेश में अपनी ख्याति फैलाता आ रहा है। वर्तमान कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए पिछले 2 वर्षों से रावण दहन का कार्यक्रम स्थगित किया गया एवं दशहरा उत्सव समिति ACC के द्वारा श्री दुर्गा पंडाल बनाते हुए भव्य प्रतिमाओं का आवाहन कर पूजा अर्चन की परंपरा को निरंतर रखा गया। आपको बताते चले कि ACC दशहरा उत्सव में श्री दुर्गा पंडाल में श्री दुर्गा जी की पूजा अर्चन का कार्य वरिष्ठ प्रधान पुजारी जगदम्बा प्रसाद शुक्ला एवं उनकी समस्त टीम के द्वारा विगत कई वर्षों से निरंतर होता चला आ रहा है। इंटक अध्यक्ष अनिल मौर्य ने PVC न्यूज के क्षेत्रीय संवाददाता गुलशन चक्रवर्ती के माध्यम से यह भी अवगत कराया कि आगामी समय में जैसे ही इस वैश्विक महामारी के प्रकोप से परिस्थितियां सामान्य होती नजर आएंगी एवं शासन प्रशासन की संपूर्ण सहमति हमें मिलेगी तो निश्चित ही आगामी 2022 का दशहरा उत्सव और भी भव्यता के साथ मनाया जाएगा एवं समस्त क्षेत्रवासी आयोजित दशहरा उत्सव कार्यक्रम 2022 का बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। आयोजित कार्यक्रम में डायरेक्टर प्लांट KR रेड्डी, DP गौतम, अमिताभ राजन, अभिषेक भट्टाचार्य, पारस शर्मा, संजय गुप्ता, संजय रजक, नीरज प्रसाद, राकेश पांडे, शालू मिश्रा, मनीष नावे, महेश सैनी, अजय शर्मा, अमरीश उपाध्याय, सुजीत तिवारी, KS श्याम, वायु नंदन सिंह, ACC लेडीज क्लब हेड व समस्त पदाधिकारी लेडीज क्लब, प्रशांत शिवहरे, मनोज चतुर्वेदी, राजेश रजक, इंटक अध्यक्ष अनिल मौर्य सहित अन्य गणमान्य गणों की भी मौजूदगी नजर आई। दशहरा उत्सव समिति की ओर से सर्वप्रथम मैं नवरात्रि पर्व पर समस्त नगरवासी, हमारे पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी को मैं बधाई देता हूं। उनके परिवारजन के स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। साथ ही जैसा कि आप लोग को विदित है कि जो भी शासन की गाइडलाइन निर्धारित है हम उसके तहत ही यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। क्योंकि माता जी की पूजा है, हमने अपने तरफ से प्रयास किया है कि पूरी भव्यता के साथ माता जी का पूजन अर्चन किया जाए और माता जी से प्रार्थना की जाए कि आने वाला समय पूर्व की भांति अच्छा समय हो। और मैं आपको आपके माध्यम से मैं समस्त जनता को ये आश्वस्त करता हूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा और शासन ने हमें अनुमति दी तो आने वाला जो समय 2022 का होगा मैं पूर्व की भांत पूरी भव्यता के साथ समस्त कार्यक्रम आयोजित करते हुए ACC रामलीला उत्सव समिति की ओर से पूरे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ऐसा हम लोग का पूरा प्रयास होगा। समस्त नगरवासियों को खुशी प्रदान हो। धन्यवाद। जय श्री राम। सर अनिल मौर्य, ACC कैमूर, इंटक अध्यक्ष। जिस जानकारी अनुसार श्री मौर्य जी ने हमें अवगत कराया है कि आगामी समय में जैसे ही स्थिति सामान्य होती नजर आएंगी पूर्व की भांति फिर यहां पर रावण दहन का कार्यक्रम भी होगा। दूर दराज के जो गांव देहात के प्लस कटनी जिले मध्य प्रदेश से जबलपुर संभाग तक के लोग आते हैं यहां पर रावण का दहन देखने के लिए, वैसी स्थितियां फिर निर्मित होंगी, ऐसी जानकारी हमें यहां के अनिल मौर्य जी के द्वारा पता चला है। और हम यहां के और भी सदस्यों से जानना चाहते हैं कि इस तरह की खुशी मनाई जा रही है नवरात्र पर्व को। कैमूर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है, पूरे देश में जाना जाता है, तो कोविड के चलते ये दशहरा नहीं हो रहा, लेकिन माता जी का जो कार्यक्रम है पूरी भव्यता के साथ और पूरे उत्साह के साथ हम लोग मना रहे हैं और सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। प्लीज थैंक यू। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।